हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम अमृतसरी स्टफ पनीर कुलचे की रेसिपी। इसे आप बहुत ही इजी तरीके से घर पर बना सकते हैं, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम कुलचे के लिए आटा गूंथ लेंगे, जिसके लिए एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेना है। फिर उसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच पीसी शक्कर और 1/2 चम्मच नमक डाल लेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ड्राई चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें 1/3 कप फ्रेश दही डाल लेंगे। दही डालकर इसे भी मिला लेना है। आप इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लें। ये मिक्स हो चुका है। फिर यहाँ मैंने 3/4 कप हल्का कुनकुना पानी ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ लेंगे। ज़रूरत के अनुसार ही इसमें हम पानी डालेंगे। इसका सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेना है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंथ लिया है। हमने 3/4 कप पानी लिया था, उसमें से 2 चम्मच पानी बच गया है। अब इस आटे पर 1 चम्मच तेल डाल लेंगे और 5 मिनट के लिए गूंथते हुए इसे इवन सा कर लेंगे। इसे आप मसलते हुए अच्छी तरह से गूंथ लें। तो यहाँ पर कुलचे का आटा तैयार है। इसे मैंने एकदम नरम सा ही गूंथा है। अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है, हम पनीर की स्टफिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम किसा हुआ पनीर ले लिया है। फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इस पनीर की स्टफिंग को आप थोड़ी चटपटी सी ही बनाएं, तभी कुलचों में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पनीर की स्टफिंग बनकर तैयार है। 1 घंटा हो चुका है, कुलचे का आटा भी रेस्ट होकर रेडी है। इसे अब हम 2 मिनट के लिए गूंथ लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो चुका है। जो मैंने नाप आपको बताया है, आप उसको बिल्कुल फॉलो करें तो आपके भी कुलचे एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब इस आटे को प्लेटफॉर्म पर रख लेंगे और उस पर थोड़ा सूखा मैदा डाल लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से फैलाते जाएंगे। इसे रेक्टेंगल शेप में फैलाते जाना है। ध्यान रहे, ये सभी तरफ से इवनली स्प्रेड होना चाहिए। इसे मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब इस पर 1 चम्मच घी डालकर उसे भी फैला लेंगे। सभी तरफ आप अच्छे से घी लगा लें। घी लग जाने पर इस पर भी सूखा मैदा डाल लेंगे। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पहले आप एक साइड से इस तरह से हाफ में फोल्ड करें और इसे हल्का सा प्रेस कर लें। फिर दूसरी तरफ से भी फोल्ड करते हुए इसे कवर कर लें और उसे भी प्रेस कर लें। तो यहाँ पर 3 लेयर जैसी क्रिएट हो जाएगी। अब इस पर भी 1 चम्मच घी लगा लेंगे, साथ ही थोड़ा सा सूखा मैदा भी डाल लेंगे। अब दोनों तरफ से पकड़ते हुए
इसे इस तरह से सील कर लेना है। जैसा यहाँ मैं कर रही हूँ आप इसे वैसा ही करें। इसे हमें चिमटी काटते हुए सील करते जाना है। इसे आप अच्छे से पैक करें ताकि ये खुले ना। तो यहाँ मैंने पूरे आटे को अच्छी तरह से पैक कर लिया है। अब इस रोल को उल्टा कर लूँगी और अब इस आटे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की लोई बना रही हूँ। ये सभी लोई कट चुकी है। अब एक लोई उठाकर उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे। ऐसे ही हमें सभी लोई बना लेनी है। तो यहाँ पर कुलचे की सारी लोइयाँ बनकर तैयार हैं। इन्हें अब नैपकिन से ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब स्टफ पनीर कुलचा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप एक लोई ले लें और उस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल लें और इसे हाथों की मदद से हल्का फैला लें। ये स्प्रेड हो चुका है। अब इसके बीच में पनीर की स्टफिंग को रख लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए बंद कर लेंगे, जैसा हम पराठे बनाते समय करते हैं। फिर इसकी एंड को इस तरह से दबा दें और इसे हल्का दबाकर उस पर सूखा मैदा डाल लें। अब इस कुलचे को हल्के हाथों से बेल लेंगे। ध्यान रहे बहुत प्रेशर से आप इसे ना बेलें। तो यहाँ पर ये पनीर कुलचा बेल चुका है। अब इस पर मैं इस तरह से कुछ निशान बना लूँगी। फिर इस पर बारीक कटी हुई हरी धनिया और कुछ कलौंजी के दाने डाल लेंगे। इन्हें भी आप हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस हो जाने पर इस कुलचे को उठाकर उल्टा कर लेंगे और इसके पीछे की साइड पर पानी लगा लेंगे। पानी आप अच्छी तरह से पूरे कुलचे पर लगा लें। पानी लगाने से ये कुलचा तवे पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। अब इस कुलचे को सेक लेंगे। इसे मैंने इस तरह से हाथ पर ले लिया है और जो साइड पर हमने पानी लगाया था उसे आप तवे पर डाल लें और इसे हल्का सा प्रेस कर लें। तवा आपका पहले से ही हल्का गर्म होना चाहिए। अब इस कुलचे को मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से हल्का हल्का फूलने लगा है। पनीर कुलचा एक तरफ से सिक चुका है। अब तवे को उल्टा करके कुलचे को सेक लेंगे। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखा है। जैसे जैसे कुलचा सिकेगा ये अपने आप फूलता जाएगा। इसे आप घुमाते हुए सभी तरफ से सेक लें। तो ये पनीर कुलचा सिक चुका है। इसे अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पीछे से भी बहुत बढ़िया सिक चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे कुलचे को भी तवे पर डाल लूँगी। इसे भी आप हल्का प्रेस कर लें और मीडियम फ्लेम पर सिकने दें। 2 से 4 मिनट में ये सिक जाता है। जब ये कुलचा एक तरफ से सिक जाए तो तवे को उल्टा करके दूसरी तरफ से भी कुलचे को सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या बढ़िया हमारा फूला फूला कुलचा बना है। तो देखा आपने मार्केट में मिलने वाले अमृतसरी कुलचे हमने घर पर कैसे बनाए और ये कितनी आसानी से बन जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये पनीर कुलचा भी सिक चुका है। इसे भी अब मैं तवे से निकाल लूँगी और इसे अब गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और इस पर आप अपनी पसंद से जितना चाहें उतना बटर लगाकर इसे सर्व करें। तो थी ना एकदम बेहतरीन रेसिपी। खाने में भी ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इस अमृतसरी स्टफ पनीर कुलचे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
आई एम श्योर आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।